हे गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का पार्ट 11 पैडागॉजिक सेशन देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपके ऑप्शन है आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, या सीखने वालों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, या फिर ऑप्शन 4 क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो अगर आप सभी ऑप्शंस के अगर देखें तो फर्स्ट अगर बात की जा रही है कि आकलन में सफलता प्राप्त करना, हम बच्चों को सिर्फ आकलन कर लें तो यही सिर्फ हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं रखता। सेकेंड, केवल विज्ञान की चीज़ें पढ़ाना भी नहीं। फोर्थ में अगर देखें तो हम क्रियाकलाप करवा दें, बच्चों को एक्टिविटी करवा दें और कौशलों का विकास कराना ही नहीं। हमारा जो पर्यावरण पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है वो है सीखने वाले को प्राकृतिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक पर्यावरण है हमारा, उनसे चीज़ों को जोड़ना। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण होता है, बेसिकली पर्यावरण तीन तरह से माना जाता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक सामाजिक पर्यावरण और एक होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है सही ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ऑप्शन से शिक्षार्थियों को निर्देश देना है कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। देखिए, सिर्फ बच्चे घर से ले आए क्या इन चीज़ों से हमारा जो युक्ति हमारी पढ़ाने की, मानचित्र पढ़ाने की सफल हो जाएगी, ये जरूरी नहीं। सेकेंड ऑप्शन, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। बच्चों से हम बोल रहे हैं कि आप बताओ इसे एटलस दिखा दो और पूछे बच्चे बताओ इसमें अर्जेंटीना कहाँ है, बताओ इसमें ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो यही हमारे लिए बहुत ही मतलब सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। थर्ड, शिक्षार्थियों की सहायता करने की, वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 सबसे बेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए, झूम खेती के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और जो बेसिकली झूम खेती जो है वो मिजोरम में ही नहीं बल्कि नागालैंड, मेघालय, यानी हमारे भारत के उत्तर पूर्वी जितने राज्य हैं जिसे हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, यहाँ पर झूम खेती की जाती है। झूम खेती को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन में झूम खेती के अगर कभी एग्जाम में स्थानांतरित कृषि भी कहा जाए तो ये आपका झूम खेती से ही मतलब है। देखिए, झूम खेती के बारे में आपको बताया कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं कि इनमें से क्या चीज़ सही है। पहला, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है, आपको मैंने बताया था कि भूमि को पहले वहाँ पे एक फसल कर ली, इसके बाद कुछ साल या 3 से 4 साल के लिए छोड़ दी जाती है, ये भी सही। बी ऑप्शन, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार यानी जब तक छोड़ दिया जाता है तो जो भी उसमें खरपतवार वगैरह उग जाती है तो उसको काट कर जला देते, उखाड़ के फेंकना नहीं, काट कर उसी जगह पे जला देते हैं क्योंकि वो एक खाद के रूप में कार्य करती है हमारी अगली फसल के लिए। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई करते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है। नहीं, गहरी जुताई करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो नॉर्मली उसमें हल्का सा जुताई करते हैं और जो खाद जो वही जो राख होती है जलाए हुए खरपतवार और बांस वो उसका प्रयोग हो जाता है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, ये आपका ऑप्शन सही है। बेसिकली मक्का वगैरह हो गए, ये फसल उगाई, मक्का ज्वार वगैरह उगाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, के आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये आपका ऑप्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपका सी और ई नहीं, यानी कि ए बी और डी ऑप्शन आपका सही जाता है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा 1 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। तो आपके ऑप्शन है निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन या पूर्वानुमान। तो यहाँ पर निर्धारण जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ये कौशल का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, देखिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा,
तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई थी ये बात कि जो पक्षी होते हैं, आपने खुद देखा होगा, पक्षी जो होते हैं अपने गर्दन बहुत घुमाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, हाँ वो तो अधिकांश सभी के नेत्र दो ही होते हैं। थर्ड, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तु के एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन हिलाने का इसका रिलेशन नहीं है। फोर, यहाँ पे पूछा रहा गर्दन हिलाते क्यों हैं, ये कारण पूछा रहा है। ऑप्शन फोर है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, इसका कारण यही, जैसे हम अपनी आँखों में बात करें, हमारी आँखों जो पुतलियाँ होती हैं हम घुमा लेते हैं, इसलिए हमें अपनी गर्दन घुमाई जो अगर हमें साइड में देखना है हम अपनी पुतली को घुमा के देख लेते हैं। लेकिन पक्षियों क्या होते हैं, उनकी पुतली घूमती नहीं है, उनके जो पक्षियों जो नेत्र होते हैं स्थिर होते हैं, इसलिए उन्हें पूरी गर्दन ही घुमानी पड़ती है अगर उन्हें अपने आस पास की चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फोर सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीना आम पसंद करती है पर इन्हें जाने के लिए संरक्षित करना चाहती है, क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं कि आम का मौसम चल रहा है, तो उसे जाड़े के लिए संरक्षित करके रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित कर लेना। देखिए, जूस भी अगर तैयार कर लेती है तो उसे फ्रिज में अगर रख भी देती तो ज़्यादा मैक्सिमम उसको 10 दिन 15 दिन हम उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, जबकि उसे तो जाड़े तय रखना है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, प्लास्टिक के थैले में रख दे, आम को प्लास्टिक थैले में रख दे तो मुश्किल से 3-4 दिन चलेगा, तब भी ख़राब हो जाएगा। थर्ड, रेफ्रिजरेटर में रख दे, रेफ्रिजरेटर में भी रख देंगे तब भी वो ज़्यादा से 1 हफ्ते 10 दिन मैक्सिमम, बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी तो भी नहीं होगा। हमारा आपका ऑप्शन जो फोर सही हो जाता है, यानी अचार आम पापड़ बनाकर, आप जानते हैं कि अचार आम पर जो 1-2 साल तक चल जाते हैं, और आपको यहीं से याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में आम के पापड़ को क्या बोलते हैं, मामली तांड्रा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन फोर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत यानी आगे के दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। अब आपको वैसे मान लीजिए आपको नहीं भी पता है या आपको अगर आपने एनसीईआरटी में चीज नहीं भी पढ़ी है, आप मान लीजिए छिपकली कि आपने छिपकली कतरते वगैरह देखा है, नहीं देखा होगा, दीमक को तो देखा ही नहीं होगा कि कोई चीज़ कतर रही होगी, इतना छोटा सा तो होती है, उसका मुँह तो और भी छोटा होगा। अब गिलहरी चूहा चीज़ें कतरता है, देखा होगा किताबें कतर जाता है, कपड़े कतर लेता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम गिलहरी की बात करें, गिलहरी के आपने खुद देखा होगा, गिलहरी का जो आगे के दांत होते हैं हमेशा बड़े होते हैं, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो गिलहरी जो होती है जो हमेशा उसके दांत बढ़े ना पाए, इसलिए हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है, बहुत ही स्पीड से कुतरती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन वन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ठीक है, तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा में क्या असर पड़ेगा? जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी? नहीं। देखिए क्या होता है कि जैसे एक बार हमने खेती कर ली, एक बार खेती करने के बाद या तो हम जैसे कि हमने बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ वाली कोई खेती करी जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, हमने ऐसी फसल उगाई थी, अब जब वो फसल कटने के बाद हम उसे थोड़ी लो लेवल की कोई फसल उगाते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें धान की, धान यानी चावल, तो चावल की जो फसल की जाती है, चावल की फसल कटने के बाद वहाँ पर गेहूँ उगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है चावल के जो भी मतलब उर्वरक तत्व होते हैं उसकी हेल्प हो जाती है गेहूं में हो जाती है। लेकिन अगर हम एक ही फसल को बार बार यूज़ करते रहते हैं तो भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है, और यहाँ पे तो उर्वरकों कीटनाशकों का भी अधिक से प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, इससे फाइनली ये होगा कि जो भूमि होगी बंजर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के निकटवर्ती राज्य, अब देखिए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तो 4-5 आपको बहुत बार पढ़ा है इनके बारे में, इनके खाने पीने और यहाँ पहनने ओढ़ने हर चीज़ बारे आपको एनसीईआरटी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे उसमें बताया था। तो इससे रिलेटेड अगर आप मैप के जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आपने देखा होगा, मतलब हर 2 वीडियो में आपको पैडागॉजी कराती हूँ और एक क्वेश्चन ज़रूर आपका ही आता है, तो आप खुद ही समझ रहे हो कि मैपिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो उसको अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस मैप को डाउनलोड करिए, अगर नहीं भी किया, अगर आप मुझसे फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको एक अच्छा सा मैप भी पोस्ट किया था, तो आप अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको डाउनलोड करके देख लीजिए और उसको एक बार ये सब की प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो यहाँ क्वेश्चन कि केरल के निकटवर्ती राज्य, देखिए अगर आप मैप में खुद देख रहे होंगे तो आप क्या देखते हैं कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं,
सिंपली आप देख रहे हो केरल का जो निकटवर्ती राज्य है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी उत्तर में कर्नाटक पड़ रहा है, उसके दक्षिण में तमिलनाडु पड़ रहा है। तो सर से हमारा यहाँ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाते हैं। अब मछली के बारे में तो बहुत सारी बताया था कि जैसे जम्मू कश्मीर अगर देख लें तो जम्मू कश्मीर सरसों के तेल में मछली खाते हैं, बिहार में चावल मछली खाते हैं, मिजोरम में ऐसे कुछ मछली के बारे में कुछ विशेष व्यंजन नहीं है, लेकिन गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और अगर आपने NCERT वाले नोट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपकी सीटेट जो है करीब 15 क्वेश्चन जो होते हैं NCERT से ही पूछता है, और मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्लास के NCERT के हर एक पॉइंट कवर किया, इससे बाहर तो आपका क्वेश्चन NCERT से जा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में, और जो जो लोग मेरे अब तक के नोट्स देख चुके होंगे वो आसानी से इसको सॉल्व भी कर लेंगे कि रेगिस्तानी ओक के बारे में हमें कथन सत्य कथन बताने हैं। ऑप्शन है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर था करीब 4 मीटर होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना, मैंने जितनी वृक्ष की ऊंचाई होती है उसे 30 गुना जो जड़ें होती हैं, जड़ों की लंबाई होती है करीब 30 गुनी, और ये जब तक अंदर तक पहुँचती जब तक कि उन्हें पानी नहीं मिल जाता, ये भी सही है। सी, इस वृक्ष के तने पानी एकत्र होता है, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन नहीं, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया, ये आपका गलत है, क्योंकि जो रेगिस्तानी ओक है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और अबू धाबी के में क्या पाया जाता है बहुत ज़्यादा याद करिए, खजूर पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है और फिर रांची जो कि झारखंड में है का भ्रमण करना चाहता है, तो उसकी यात्रा दिशा क्या हो गया। देखिए फिर से मैप का क्वेश्चन आ गया और आपके सामने ये मैप आता है। अब आप खुद देखिए कि ये रहा हमारा भोपाल, ठीक है, मतलब नई दिल्ली, पहले सबसे आप देखिए नई दिल्ली रही, अब नई दिल्ली से वो भोपाल की तरफ गया, यानी कि वो दक्षिण दिशा में गया, और दक्षिण दिशा अब उसे जाना है झारखंड, तो यानी अब वो पूर्व दिशा में गया। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे देखिए, सभी जानवरों में से निम्नलिखित कौन सी विशेषता पाई जाती है। आपके जो जानवर दिए छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ऑप्शन से ये जहरीले होते हैं, देखिए छिपकली तो मान लीजिए जहरीले के, हाँ उसकी स्किन पे जहर होता है, कछुआ सांप जहरीले के, गौरैया तो होती नहीं थी, ऑप्शन आपका हट गया। देखिए एग्जाम में एक तरीका होता है आपको चीज़ें पता है, ठीक है, आपने चीज़ें बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप उसको वो एग्ज़ाम में टिक कर लेंगे, और एक तरीका होता है कि आप नहीं पढ़ा लेकिन आप जो डेली बेसिस की चीज़ें उनसे आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए कि इन चारों में से कौन सा चीज़ तो हो ही नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन तो आपको ये नहीं होगा। मैं आपको बेसिकली पैडगो में यही पढ़ाना चाहिए, यही सिखाना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है और कौन सा क्वेश्चन फाइनली आपको उसमें निकाल लेना है। तो आप यहाँ पे आपको अगर नहीं भी आपने NCERT पढ़ पा रहे हैं, तो अगर किसी कारणवश आपने नहीं पढ़ी है तो आप कम से कम डेली बेसिस पे थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। फिर फर्स्ट है कि वे जहरीले होते हैं तो होगा नहीं, सेकंड वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, छिपकली अपने छिपकली तो अपने भूमि पे रहती है, जल पे कहाँ रहती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं, देखिए कछुओं के शल्क से हाँ हो सकते हैं पैर वगैरह ढके होते हैं, लेकिन सांप भी एक तरह से मान सकते हैं, लेकिन गौरैया वगैरह शल्क से होंगे तो पंख होते हैं, ये नहीं होगा। ऑप्शन फोर देखिए, अंडे, हाँ छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी अंडा देती है, कछुआ भी अंडे देते हैं और सांप भी अंडे देते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर सही हो जाता है कि भी अंडे देते हैं। तो सर हमारे आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, NCERT नोट्स अभी तक आपने नहीं पढ़े तो तुरंत आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे NCERT के नोट्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।